सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जानते रहें भारत के बारे में रोचक तथ्य। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। पहले इतिहास देखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी 8 अगस्त 1936 में। तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, जो कि उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नर सर मैकलम हैली के नाम पर रखा गया था। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिम कॉर्बेट इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क है। और ये सब संभव जिम कॉर्बेट नामक व्यक्ति की वजह से हुआ। हम जिम कॉर्बेट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि उन्हें शिकार करना बहुत पसंद था और वो अक्सर शेर, चीता, अनेक जानवरों का शिकार करते थे और खाने में भी पसंद करते थे। फिर उन्होंने देखा कि उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल अनेक राज्यों में लोग शेर का शिकार ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि तब शेर का मीट खाया जाता था। फिर जिम कॉर्बेट का दिमाग चला। फिर जिम कॉर्बेट ने सोचा कि ऐसे तो एक दिन सारे शेर ख़त्म हो जाएंगे, इनको कंजर्व यानी संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तब जिम कॉर्बेट ने शिकार करना छोड़ दिया और इस नेशनल पार्क की स्थापना की थी ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। जिम कॉर्बेट एक लेजेंडरी टाइगर हंटर थे, लेकिन फिर वो बदल गए, नेचुरलिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट बन गए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मदद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इस नेशनल पार्क को, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को राम गंगा नेशनल पार्क से भी जाना जाता था, लेकिन सिर्फ एक साल के लिए 1954 से 1955 के बीच में। इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1955 में रखा गया क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि जिम कॉर्बेट का योगदान बहुत रहा है इस नेशनल पार्क के प्रति, तो उनके नाम पर रख दिया गवर्नमेंट ने। यह पार्क उत्तराखंड में स्थित है, इस बात से तो आप सब लोग अवगत होंगे। जब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 में, तब यह पार्क भी प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। अगर हम नेशनल पार्क की एरिया के बारे में देखें तो टोटल एरिया 1318 स्क्वायर किलोमीटर है और कोर एरिया नेशनल पार्क का 520 स्क्वायर किलोमीटर है और बफर एरिया 797 स्क्वायर किलोमीटर है। बफर एरिया वो होता है जो बाहर का एरिया होता है और टेम्परेचर देखें तो गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर 19 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक रहता है और ठंडियों में 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और आप कभी विज़िट करना चाहो तो नवंबर से लेकर मार्च तक बेस्ट टाइम कहा जाता है, ज़्यादातर ठंडियों में। यह नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए फेमस है। अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर की चीज़ें देखेंगे, किस प्रकार के जानवर हैं वहाँ पे, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, कितनी हैं। तो वहाँ पे पक्षियों की 586 प्रजातियाँ हैं। अगर हम रैंडमली 10 पक्षियों का नाम अभी सोचें तो भी मुश्किल से सोच पाएंगे, और ये तो 586 हैं, तो यह बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। इसलिए इंटरनेशनली इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी कहा जाता है। पार्क के पास
6 टूरिज्म जोन हैं, सोना नदी, दुर्गा देवी, बिजरानी, जिरना, दिखाला एंड देहला। अगर आप घूमने जाएं कभी तो ये चीज़ यहाँ भी घूम सकते हैं। और यहाँ पौधों की 488 प्रजाति पाई जाती हैं, अलग अलग पेड़ पौधे, 25 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड 7 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो कि पानी और ज़मीन वाले जानवर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कछुआ, ऐसी 25 प्रजातियां पाई जाती हैं। और 50 अलग अलग प्रजाति बड़े जानवरों की पाई जाती हैं। Oh, 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 oh